महाशिवरात्रि का पर्व विशेष धार्मिक महत्व का बताया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा रात्रि के समय चार पहर में करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। वेदों में रात्रि के चार प्रहर बताए गए हैं। महाशिवरात्रि यानी भोलेनाथ का दिन, इस दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस दिन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको शिव जी की किस विधि से पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। जब पूजा करने जाएं तो ध्यान रखें कि आप जिस आसन पर बैठकर पूजा करेंगे वो शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद आसन पर बैठकर जल से आचमन करें, फिर अपने आसन की शुद्धि करें। धूप और दीप प्रज्वलित करके पूजन की तैयारी शुरू करें। महाशिवरात्रि की पूजा में भोलेनाथ को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से स्नान जरूर करवाएं। बाद में इत्र और इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। भोलेनाथ को वस्त्र अर्पित करें और जनेऊ चढ़ाएं। साथ ही अक्षत, फूलमाला, बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं। अब भोलेनाथ के शिवलिंग पर अलग अलग तरह के मौसमी फल और दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद एक प्लेट में दीपक और धूप के साथ कपूर प्रज्वलित कर भोलेनाथ की आरती पढ़ें। पूजन समाप्ति पर शिवजी से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें और अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर कर लें। मान्यता है कि अगर इस विधि से महादेव की पूजा की जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन में आ रही तमाम बाधाओं से निपटने के लिए महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखें और विधि पूर्वक व्रत के नियमों का पालन करते हुए पूजा करें। जिन लोगों की कुंडली में शनि, राहु और केतु से निवृत्त कोई भी अशुभ योग बना हुआ है वो भी पूजा से दूर होता है। मान्यता है कि शिव का दही से रुद्राभिषेक करने से संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर शहद और घी से अभिषेक करना चाहिए। वहीं रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के वाहन नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाएं। महामृत्युंजय मंत्र का शाम के समय 108 बार जाप करें। महाशिवरात्रि पर शिव जी की विधिवत और सच्चे मन से आराधना करने से किसी भी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। राहु की महादशा होने पर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक करवाना चाहिए और साथ ही शिव महापुराण का पाठ भी अवश्य करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही धर्म से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।